गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में। और अभी आप देख सकते हैं मैं आउटडोर शूट कर रहा हूं, और वैसे मैं ब्लॉग जब भी है सारे आउटडोर ही बनाता हूं, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा क्योंकि अभी मैंने कोई माइक वगैरह नहीं लगा रखा। और ये ब्लॉग क्यों बन रहा है वो भी आपको बताता हूँ। पहले तो आप देख लीजिए, ये है मेरी गाड़ी और आप देख सकते हैं ये मैंने हेलमेट पर चिन माउंट लगा रखा है, और ये माइक का सपोर्ट सेटअप कर रखा है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको कैमरा दिखाया था, तो आज उसी की मैं टेस्टिंग करने वाला हूं कैमरा की कि कैसा है और कितना अच्छा वर्क करता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली कल मैं कोई टूर पे जाने वाला हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको कोई प्लान बना रहा हूं, तो वो प्लान है मेरा उत्तराखंड जाने का। तो अगर आपको उत्तराखंड देखना है मेरे साथ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कल से उत्तराखंड की जर्नी शुरू हो जाएगी, कल मॉर्निंग में हम निकलेंगे, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का हैंडल भी यहीं वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अभी मैं पहले इस पे कैमरा माउंट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस एंगल से वीडियो सही आ रही है और आवाज़ कैसी आ रही है। विद माइक और विदाउट माइक मैं दोनों रिकॉर्ड करूँगा, तो आप बताना कि किसकी क्वालिटी अच्छी है और कैमरा एंगल कौन सा सही है। तो चलो पहले मैं कैमरा सेटअप कर लेता हूँ, तो अभी तो हो नहीं पाएगा, शायद सिंगल हूँ तो मुझे कैमरा साइड में रखना पड़ेगा। फिलहाल मैं कैमरा दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअली इसके अंदर है हमारा कैमरा, अभी भी मैं इसी के अंदर लेके आया हूँ। पहले इसको ओपन करते हैं। ये है इसके अंदर हमारा कैमरा, जो कि मैंने ये वाले केस के अंदर लगा रखा है। तो ये है हमारा कैमरा, और अभी मैं जो कर रहा हूँ मोबाइल के कैमरे से शूट कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं ये वाला कैमरा यूज़ करता हूँ, इससे आपको दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क आता है। ये देखो हमने कैमरा हेलमेट पर माउंट कर लिया है, और हमारा हेलमेट कुछ ऐसा लग रहा है बाइक के साथ, और यहाँ पर कैमरा का बॉक्स खुला हुआ है, इसको अभी पैक करके रखता हूँ। तो पहले अब मैं हेलमेट पहनता हूँ, उसके बाद मैं आपको ब्लॉग बना के दिखाता हूँ। अब जो भी नेक्स्ट फोटेज आएगी वो जो एक्शन कैमरा है उससे आएगी। ये फोटेज जो आप देख रहे हैं ये कैमरा से रिकॉर्ड हुआ है। एक्चुअली मैंने एक्सटर्नल माइक वाली सेटिंग ऑन कर रखी थी, इसलिए जो इसमें माइक लगा इनबिल्ड वो यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने माइक पुट इन नहीं कर रखा था। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं कैमरा की सेटिंग्स के बारे में, तो कैमरा एंगल के बारे में बता देना, और विदाउट माइक कैमरा एंगल कैसा आ रहा है, और माइक लगाने के बाद कैमरा एंगल थोड़ा चेंज किया था तो उसके बाद कैसा आ रहा है वो दोनों बता देना, और वीडियो में स्टेबलाइजेशन कैसा है वो भी बता देना कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हमने लगा लिया है माइक, और वाइजर को कर देते हैं ऑफ। वाइजर ऑफ करने के बाद देखते हैं कैसा व्यू आता है। अब बताना कैसा व्यू आ रहा है और आवाज़ कैसी आ रही मेरी, कुछ ज़्यादा तो नहीं आ रही, क्योंकि मुझे तो एडिटिंग में पता चलेगा, फिर उसके बाद मैं कैमरा एंगल और दूसरे तरीके से सेट करके भी कैमरा एंगल बताऊँगा, और बाइक कितनी आ रही है और सामने का व्यू कितना आ रहा है वो भी बताना। अभी इस बार थोड़ा सा लॉन्ग जाते हैं क्योंकि मुझे और कुछ और काम के लिए भी जाना है, वो काम भी बताता हूँ आपको कि क्या काम है।
चलो देखते हैं बस आ रही है इस रोड में, फिर उसके बाद बैक करके जाएंगे वहीं पे जहाँ पे हमने पहले वीडियो बनाई थी, वहीं से मैं कैमरा एंगल चेंज करूँगा फिर उसके बाद आपको दिखाऊँगा। देखो इतनी ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है और मैं रॉन्ग रोड में चला रहा हूँ। और ये बताओ भाई कैसा व्यू आ रहा है और आवाज़ कैसी आ रही है, ये मीन है आवाज़ का, तो मुझे बताना कि कैसी आवाज़ आ रही है। अब मैं कैमरा एंगल चेंज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। पहले मैंने कैमरा का एंगल जो बना रखा था ऐसे रख रखा था और वीडियो सैंपल आपने देख ही चुके हो कैसी है और आवाज़ कैसी आ रही है। अब मैं कैमरा का एंगल चेंज करने वाला हूँ। एक्चुअली कैमरा को हम ऐसे उल्टा करके लगाएंगे, अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं पहले कैमरा का एंगल ऊपर को था, नीचे को उल्टा कर दिया हमने, कैमरा उल्टा लगा दिया। इससे सिर्फ यही होगा कि फुटेज उल्टी आएगी, जो कि एडिटिंग में मुझे सही करना पड़ेगा और वो तो इजी बात है, वो मैं कर लूँगा। बट अगर ऐसे फुटेज अच्छी आ जाती तो वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ और ट्राई करते हैं। देखते हैं, पहले ऐसे फुटेज दिखाता हूँ मैं आपको, इसका सैंपल दिखाता हूँ। चलो भाई कैमरा तो कर लिया मैंने सेट और कैमरा का एंगल कैसा आ रहा है वो बताना मुझे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने कैमरा उल्टा सेट कर रखा है। और अभी मुझे जाना है, अब एक्चुअली मुझे अभी जाना है, ये गाड़ी का थोड़ा काम करवाना है क्योंकि कल लॉन्ग राइड के पे जा रहा हूँ तो चैन लूप करवानी है, तो इसीलिए मैं लोकल मार्केट में जा रहा हूँ। तो पहले गाड़ी बैक कर लेते हैं, बट ट्रैफिक बहुत है। और बताना आपकी आवाज़ कैसी आ रही है और सामने का व्यू कैसा आ रहा है, मुझे तो अभी कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि सब कुछ उल्टा हो रखा है। और ये व्यू मैं अभी चेक करूँगा थोड़ी देर, उसके बाद फिर हम सीधे वहीं पर जाएंगे जहाँ गाड़ी का चैन लूप करवाना है। एक्चुअली मैंने बात तो किसी से कर नहीं रखी है, बट यहाँ लोकल मार्केट में बता रहे हैं कि काफ़ी दुकानें हैं, तो वो देखने जा रहे हैं कि कहाँ पर हो पाएगा। और भाई ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग है तो मुझे पता नहीं है कि कैसे शूट करना है, क्या करना है, और अच्छे से मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसा आ रहा होगा व्यू, एंगल कैसा है। एक बार एंगल सेट हो जाएगा तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। और आवाज़ तो अभी चेक नहीं हो पा रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर है, तो आवाज़ चेक नहीं हो पा रही, एंगल चेक हो पा रहा है। उसे मोबाइल से कनेक्ट कर रहा था बट मैं मोबाइल से हो नहीं पा रहा है कनेक्ट, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। पहले एक बार मैं थोड़ा एंगल चेक कर लेता हूँ, उसके बाद जाते हैं हम सीधे वहीं।